कि गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अपना पेपर नंबर सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 19 का जो है पहला चैप्टर जो है हम लास्ट क्लास में क्लियर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पेपर नंबर 2, यानी स्टडी नोट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसका नाम है अपना, अगर जिनको भी पहला चैप्टर पूरा देखना है तो इसकी वीडियोस डली हुई हैं, अपना प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पेपर नंबर 19 के नाम से सीएमए फाइनल का, तो आपको पेपर नंबर जो चैप्टर नंबर 1 है वो मिल जाएगा आपका। स्टडी नोट नंबर 2, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। इसके बारे में ना थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या था। पहले क्या हुआ करता था ना, दो कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले, कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले क्या हुआ करता था कि जो कॉस्ट ऑडिट था, मतलब वो मैंडेटरी तो था कई इंडस्ट्रीज में, लेकिन क्या था कि इतना इंस्ट्रक्शन से नहीं थी कि किसने करवा ली तो करवा ली, नहीं करवाई तो, समझ रहे हो आप, कि थोड़ा बहुत पैसा दे दिया और काम हो गया। पहले इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था और इतनी ज्यादा बंदिशें और इतनी ज्यादा जो था रिस्ट्रिक्टनेस नहीं थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो लोगों को लगा कि कॉस्टिंग की ना ज्यादा अहमियत लगनी स्टार्ट हुई। और आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो भी ज्यादा फोकस करी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। द अल्टीमेट पर्पस इज टू नो द कॉस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, सो दैट अगर हम कॉस्ट है हमारी, जो कॉस्ट जितनी कम होगी आप प्रॉफिट तो जितना जोड़ेंगे तो उतना ही आपका सेल प्राइस कम होगा और लोगों को क्या होगा कि जो कॉस्ट है लोगों की कम आएगी वो। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा है, कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, हमने कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 आ गए। ठीक है, उसके बाद मैंडेटरी कर दिया गया दोस्तों, मैंडेटरी कर दिया गया कि कॉस्ट ऑडिट कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में कंपलसरी है, नहीं होने पर पेनल्टी लगेगी और इंप्रिजनमेंट तक के प्रोविजन रखे गए हैं दोस्तों, यानी जेल तक के प्रोविजन रखे गए हैं। तो आइए अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑडिट रूल्स में, कॉस्ट ऑडिट रूल जो है ना वो कॉस्ट रिकॉर्ड को की 148, सेक्शन 148 में ये बोलता है कि आपको दोस्तों कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। जो भी लिमिट क्रॉस करेगा, वो लिमिट क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो भी हमारी दी गई लिमिट को क्रॉस करेगा मेरे दोस्तों, उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किसने बोला, कंपनीज एक्ट 2013 में, जो करंट एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। आइए आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ ना डेफिनेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं हम। रूल 1, रूल वन में हमेशा जो है ना आपका टाइटल रहता है, टाइटल एंड कमिशनमेंट रहता है, स्ट्रॉन्ग टाइटल एंड कमिशनमेंट। दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, इनका पूरा नाम है कंपनीज ब्रैकेट में कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, यानी ये 2014 में लागू हुए थे, कंफर्म हो गया था कब, ये 6 जून 2014 में ये कमिशनमेंट हो चुका था, ऑफिशियली गैजेट में आ चुका था। रूल 2 में हमेशा किसी भी, ये ले लो आप इनकम टैक्स ले लो, जीएसटी ले लो, रूल 2 हमेशा डेफिनेशन के लिए ही जाना जाता है। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, रूल 2 इज नोन फॉर डेफिनेशन दोस्तों। ओके आगे चलिए, इस रूल में क्या क्या डिफाइन किया गया, एक्ट क्या है, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ की हेडिंग क्या है, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस क्या होता है, उसका मतलब क्या है, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। बट रूल 2 ये बोलता है कि डेफिनेशन, इन चीजों की डेफिनेशन कवर की गई है, कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या क्या रिकॉर्ड शामिल होंगे, फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, अदर अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज, अदर कुछ और डेफिनेशन है जो रूल्स में कवर होती है वो आएगा, धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी मैंने बता दिया कि क्या बोलता है रूल 3 क्या बोलता है, ये रूल 3 पढ़ते हैं हम। ठीक है आइए अब हम रूल 3 पढ़ते हैं। रूल 3, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किन किन इंडस्ट्रीज पर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा वो रूल 3 बताता है। 2 कैटेगरीज, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, 2 कैटेगरीज को बांट दिया गया कि ये रेगुलेटेड सेक्टर्स है और ये नॉन रेगुलेटेड है दोस्तों। दे हैव बीन रिटेन, जिनका भी टर्नओवर अगर 35 करोड़ से ज्यादा होगा किसी का भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों, अगर टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा हो जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं, 2018 किसी कंपनी का जो है सेल्स, यानी टर्नओवर को हम सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स मान लीजिए था 20 करोड़, और 2017 में था मान लीजिए जो सेल्स है वो था मान लीजिए 55 करोड़, या 55 करोड़। ठीक है ध्यान से सुनिएगा, आप बोलेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड लागू ही नहीं होगा इस कंपनी पर, मैं बोलता हूँ कि लागू होगा। रीजन बिहाइंड दिस, 2018 नहीं देखना अपने को, 2018 की जब हम देख रहे हैं फाइनेंशियल्स तो हमें ये देखना है कि पिछले साल 2017 में कितना था, 55 करोड़, ये 35 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो इसलिए कॉस्ट रिकॉर्ड इस पर एप्लीकेबल होगा। करंट ईयर को नहीं देखना, पिछले साल की सेल यानी पिछले साल का टर्नओवर देखना है, 35 करोड़ है, एग्जैक्ट 35 है, यानी इक्वल और ग्रेटर देन, अगर 35 करोड़ है तो भी, 35 करोड़ से ज्यादा है तो भी मेरे दोस्तों कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए आगे हम देखते हैं। ओके रूल 3, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, रूल 3 को हम समझ लेते हैं, ये तो उन्होंने नक्की एकदम बढ़िया बना दिया है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कहां कहां पर एप्लीकेबिलिटी होगी, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी में लिस्टेड इन टेबल 3,
रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड दो इंडस्ट्रीज कर दीजिए दोस्तों, दोस्तों रेगुलेटेड और एक नॉन रेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड ये नॉन रेगुलेटेड। आइए एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो भी गुड्स को बना रही है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है दोस्तों लागू होगा उन पर। आगे आइए, हे गाइस आइए जरा थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, इन रोलों का थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे भैया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा हो जाती है 35 करोड़ या उससे ज्यादा, 35 करोड़ भी हो गई तो दोस्तों लागू हो जाएगा, 35 करोड़ या उससे ज्यादा अगर है दोस्तों तो ये इस पर लग जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने बताया था कि 2018 का हम देख रहे तो 18 से मतलब नहीं है, 17 में अगर आपने 35 करोड़ कर लिए या नहीं करी है। तो आइए हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, वो था कॉस्ट रिकॉर्ड, कौन कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा दोस्तों, पहले कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ये पहले देखा जाता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड कौन कौन कंपनीज मेंटेन करेगी। अगर पता लग गया कि कौन कौन सी कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी तो उसके आगे का प्रोसीजर होता है कॉस्ट ऑडिट, कौन कौन कंपनियां दोस्तों कॉस्ट ऑडिट करेंगी। ओके, इवन फॉर रेगुलेटेड सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, गैस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिलाइजर, शुगर, कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट हैज बीन मेट सब्जेक्ट टू टर्नओवर 350 करोड़ और ऑल प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज। रेगुलेटेड ये जो छह इंडस्ट्रीज है, ये छह इंडस्ट्रीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ड्रग्स एंड फार्मा हो गया, फर्टिलाइजर एंड शुगर हो गया, इनमें क्या है जितनी भी आपकी जितनी भी आपका डिवीजन है उन सबका टोटल करके अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होता है और किसी एक इंडिविजुअल का 25 करोड़ या ज्यादा होता है तो उसको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। छह इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड गैस हो गया, ड्रग्स एंड फार्मा हो गया, फर्टिलाइजर एंड शुगर हो गया, यहां पर इन्होंने क्या बोला है दोस्तों कॉस्ट ऑडिट के लिए क्या है कि टोटल इन सभी, अगर मान लीजिए किसी के दो तीन बिजनेस हैं ऐसे ही तो उनका टोटल में 50 होना चाहिए और इंडिविजुअल किसी एक बिजनेस में 25 करोड़ हो गया तो भी कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। और इनके अलावा जो अदर सेक्टर है वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यानी जो टोटल है, जो टोटल एग्रीगेट सभी प्रोडक्ट को मिलाकर जो टर्नओवर होनी चाहिए वो 100 करोड़ होनी चाहिए और इंडिविजुअल पर 35 करोड़ होनी चाहिए, इंडिविजुअल पर 35 करोड़ होनी चाहिए दोस्तों। आइए एक बार और समझ लेते हैं इसको दोस्तों, इस डायग्राम को समझ लेना, ये डायग्राम को हल्के में मत लेना, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, 8 नंबर का। अच्छा मैं बताता हूँ किसमें से आया था वो आपको बता दो, और मैंने सही किया था नंबर, इस सब्जेक्ट में मेरी एग्जामिनेशन आई थी, मेरी क्या सबकी आती है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और मेरे साथ बने रहना कि मैं सब कुछ कराऊंगा आपका, टेंशन ना लेना। आइए हम देखते हैं सब, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप मानेंगे नहीं, मेरे में आया था ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, आप कहेंगे झूठ बोल रहे, मगर मैं साहब इस वाले पॉइंट से आया था, इस वाले पॉइंट से आया था मेरे पास 8 नंबर का क्वेश्चन, ये जो फॉरवर्ड वाला है ना, तो देख लीजिएगा बहुत आसान था, कुछ नहीं था, बस केस स्टडी टाइप का था कि हाँ भाई एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इस तरीके का था। आइए देखते हैं हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, रेगुलेटरी सेक्टर और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर दोस्तों। रेगुलेटरी सेक्टर ओवरऑल टर्नओवर, रेगुलेटरी में वो जो 6 चीजें बताई थी हमें, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, शुगर, फार्मा वाली जो चीजें थी उन पर, उनके लिए है। अगर मान लीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ या से ज्यादा हो जाता है एप्लीकेबल कर दो। इफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, अगर मान लीजिए टोटल रेवेन्यू का अगर 75% से ज्यादा, टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा हिस्सा अगर फॉरेन से आ रहा है तो भी एप्लीकेबल होगा। इफ ऑपरेटिंग फ्रॉम SEZ तो भूल जाइए आप, SEZ में तो आता नहीं है। और ये कह रहा है नॉन रेगुलेटरी के लिए भी सेम वही है कि आपका जो रेवेन्यू 75% टोटल रेवेन्यू होना चाहिए एक्सपोर्ट से, इफ ऑपरेटिंग फ्रॉम SEZ और ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, यानी रेगुलेटरी के लिए 50 करोड़ और उसके लिए 100 करोड़। आइए अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा होता है रेगुलेटरी में तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑडिट के लिए आ जाइए। हम क्या देखेंगे कि एग्रीगेट आपका 50 और इंडिविजुअली 25 होना चाहिए, और यहाँ पर हम एग्रीगेट 100 देखेंगे और इंडिविजुअली आपका 35 देखेंगे तो नॉन रेगुलेटरी में हो जाएगा। अब देखिए साहब, शैल नॉट अप्लाई, ओनली रूल 3 विल अप्लाई, जो इंडस्ट्रीज जिसका मान लीजिए जिस भी इंडस्ट्रीज का टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा हिस्सा अगर एक्सपोर्ट से आता है, SEZ में कोई ऑपरेट कर रही है तो दोस्तों उनको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ रहा है अगर वो कॉस्ट रिकॉर्ड की लिमिट को थ्रेशोल्ड कर रही है, लेकिन दोस्तों कॉस्ट ऑडिट उनको मेंटेन नहीं करना। किनको? जिनका टोटल रेवेन्यू का 75% या इससे ज्यादा जो हिस्सा है वो किससे आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है, SEZ में कोई ऑपरेट कर रही है, इन एंटिटीज को मेरे दोस्तों नहीं करना कॉस्ट ऑडिट मेंटेन, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है अगर लिमिट क्रॉस कर रही है तो। आइए बाकी इनको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना है, इनको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना, आगे बढ़ते हैं। आइए
मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म CRA1, रिक्वायर फॉर्म CRA1 होगा कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, हैव बीन पोस्टपोन्ड टू फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की पुरानी बात थी, फॉर फॉलोइंग कंपनीज इन नॉन रेगुलेटेड सेक्टर लाइक कॉफी एंड टी हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक मशीन हो गया, यानी 2015-16 के लिए डेफर कर दिया गया था इन इंडस्ट्रीज के लिए फॉर्म के लिए रिगार्डिंग। कॉस्ट ऑडिट रूल 6, एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन डेथ और रिमूवल टू बी फिल्ड बाय बोर्ड डायरेक्टर विद इन 30 days of occurrence of such vacancy and company shall may inform the CG in form CRA within 30 days of such appointment of cost auditor. मेरे दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भगवान ना करे किसी ऑडिटर की डेथ हो जाती है और उसको निकाल दिया जाता है या रेजिग्नेशन दे दिया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days इस घटना के, जैसी ये घटना हुई तो इस घटना के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, BOD को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। और मान लीजिए कंपनी शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म CRA2 विद इन 30 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कोई कॉस्ट ऑडिटर नया अपॉइंट कर लिया है तो अपॉइंट करने के 30 days के अंदर फॉर्म CRA2 में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं आज यार, हमने पहला अपना क्या नाम है उसका कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 था, इसमें क्या था कि अब काफी हद तक काफी सारी जो इंडस्ट्रीज कवर हुई है उन पर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट जो है वो मेंटेन करना ही पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में बोलते हैं दोस्तों सेक्शन 148 आपका MCQ में भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको सेक्शन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या नाम है, क्या बोला था हमने कि दो हमने सेक्टर्स बना लिए, रेगुलेटेड सेक्टर्स बना लिए, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, एक रेगुलेटेड और एक नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड सेक्टर्स के बारे में हमने बोल दिया दोस्तों कि रेगुलेटेड सेक्टर्स का पिछले साल का अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, और अगर ठीक है और 35 करोड़ हमने किसके लिए क्या नाम है इसका, और कॉस्ट ऑडिट के लिए क्या बोलती है हमने कंडीशन 50 करोड़ की, ओके। आइए एक बार हम देख लेते हैं, और जो टोटल रेवेन्यू का अगर 75% आपका टोटल रेवेन्यू का 75% अगर एक्सपोर्ट से आ रहा है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट मेंटेन नहीं करना। कोई भी यूनिट अगर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर ऑपरेटिंग कर रही है तो उसको दोस्तों नहीं करना मेंटेन, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना उस यूनिट को, ओके। और कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए मान लीजिए रेगुलेटरी सेक्टर 6 दिन हमारा टेलीकम्युनिकेशन शुगर हो गया फार्मा हो गया इन इंडस्ट्रीज के लिए अगर पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा है आपकी 50 करोड़ से आपकी ज्यादा है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और अगर 35 करोड़ से ज्यादा है 25 करोड़ से ज्यादा क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट में वो भी आप मेंटेन कर लीजिए कॉस्ट ऑडिट। और यहाँ पर हमने बोला है नॉन रेगुलेटरी में 100 करोड़ होनी चाहिए टोटल क्या नाम है इसका पिछले साल, और क्या नाम है इसका इंडिविजुअल बेसिस पर 35 करोड़, तो आपको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना जरूरी है। और कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कॉस्ट ऑडिटर को निकालता है तो निकालने के दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर आपको CG को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप किसी दूसरे ने कॉस्ट ऑडिटर को रखते हो तो भी CG को 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जिन स्टूडेंट को अगर क्या नाम है इसका पेपर नंबर 19 का पहला चैप्टर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है, ओके दोस्तों। तो आगे हम चैप्टर को कैरी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहिएगा, पेपर नंबर 19 हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, सबको एग्जामिनेशन लेकर आनी है, आप मेरे साथ बस बने रहिएगा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ओके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय दोस्तों, बाय गाइस, पढ़ते रहिए।